हेलो डियर ट और उसके लिए बेसिक से तैयारी आपको 100 परसेंट फ्री में अवेलेबल होती हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे दो तीन वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी पड़ती क्योंकि यहाँ सारी चीजें हंड्रेड फ्री है वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ तो डीपीपी मिली होगी जिसमें हमारे पास दस क्वेश्चन थे उन दस क्वेश्चन का यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिलने वाला है तो वो जो दस क्वेश्चन थे वो बेसिकली प्रैक्टिस के लिए होते हैं कि जब आपको वो वीडियो लेक्चर मिला है उसके बाद उसके बेसिस पे आप वो क्वेश्चंस को सॉल्व करें और फिर यहाँ पे हम Uh, जो नेक्स्ट डे आता है उस पर डीपीपी का सोल्यूशन देते हैं तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपको टॉपिक टॉपिक करके छोटे छोटे कंसेप्ट के फॉर्म में वो वीडियोस अवेलेबल कराए जाते हैं जहां पे हर एक कंसेप्ट को डिटेल में समझाया गया है उसके जस्ट बाद या उसके साथ में अगर हम लें तो ये कंसेप्ट वीडियो या ये टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियो के बाद आपको एक डीपीपी मिलती है डीपीपी ऑफिशियल वेबसाइट है, है वहां पे अवेलेबल हो जाते हैं वो क्वेश्चन अब आप उन क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिए फिर नेक्स्ट डे पे आपको उन्हीं क्वेश्चन के सोल्यूशन का एक वीडियो मिलता है ओके okay, देन चैप्टर वाइज एमसीक्यूज जो कि 500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज आपको मिलते हैं जो एक तरीके से आपके पास क्वेश्चन बैंक डेवलप कर देते हैं फिर आता है डाउट सॉल्विंग सेशन और ये डाउट सॉल्विंग सेशन जो होते हैं यहाँ पे लाइव सेशन होंगे डाउट सॉल्विंग सेशन में आपको जो भी डाउट्स रहे आप उनको कहीं नोट करके रखिए और फिर अपने टीचर्स से आप डायरेक्ट इंटरेक्शन करिए और उनसे वो डाउट्स क्लियर कीजिए नेक्स्ट आता है वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज एक बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है ओके okay, फिर आते हैं गाइडेंस अबाउट द पेपर पैटर्न पेपर पैटर्न कैसा होगा उसके लिए आपको गाइडेंस स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें किस तरीके से आप अपनी रेगुलर पढ़ाई और साथ में कॉम्पिटिटिव की तरह पढ़ाई को बैलेंस करें एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन तो जहां जहां भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा जब जब आएगा उसका अपडेट आपको सबसे पहले यहां पे मैग्नेट ब्रेन पे मिलेगा चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन में हम हर एक चैप्टर को एक वीडियो में कंपाइल करते हैं जिसमें सारे कंसेप्ट को समरी बना के पढ़ाया गया है वो समरी बना के पढ़ने से क्या होता है कि अगर आपने मेन पहले मेन वीडियो देख लिए हैं, तो समरी पढ़ना बहुत आसान हो जाता है और आपको सिर्फ समरी पढ़ के पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू मिल जाता है ओनली देन जब आपने ये चैप्टर के पूरे जो कंसेप्ट वाले वीडियोस हैं उन्हें देखा हुआ हो

तीन होते हैं। ओके okay, ये तीन आइसोटोप्स कुछ इस तरह है सिक्सटीन सेवनटीन एंड एटीन अगर हम बात करें कार्बन की तो कार्बन के आइसोटोप्स हमारे पास कैसे हैं ट्वेल्व थर्टीन एंड फोर्टीन और अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की तो क्लोरीन के हमारे पास दो आइसोटोप्स हैं, जिसमें उनका एटॉमिक नंबर है सत्रह और एक आइसोटोप का मास होता है थर्टी फाइव एक का होता है थर्टी सेवन ध्यान से देखिएगा ये जो है सेंटर में ये एलिमेंट है, जो नीचे हमने लिखा है वो नंबर है, और जो ऊपर दिया हुआ है वो ठीक है सो so, ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट वॉज द बेसिस फॉर द प्रपोजल ऑफ डाल्टन जटोमिक्योरी डाल्टन थ्योरी के बेसिस क्या थे Uh, अगर हम बात करें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की तो उनने आटम को देखिए डाल्टन का सबसे पहली बात तो यह है कि उनने उस टाइम पे कोई डिस्कवरी नहीं उस टाइम पे बहुत ज्यादा डिस्कवरीज नहीं हुई थी जब उनने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी तो उनका यह बे बेसिक होता था कि भाई जो एटम है वो सबसे बेसिक पार्टिकल है मैटर का और उससे छोटा कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है सो so डाल्टन ने जो अपनी पूरी थ्योरी दी थी वो इन्हीं बेसिस पे दी थी बाद में डाल्टन की थ्योरी में बहुत गलतियां आ गई थी कि भाई वहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सब की कोई बात नहीं की गई है

फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। अब आटम जो है, वो है। ये भी डाल्टन ने बोला था कि भाई उसे आप डिस्ट्रॉय क्या कर सकते हो एक है उसे से आप दूसरे में चेंज कर सकते हो जैसे कि हमने पढ़ा हुआ न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन तो जब न्यूक्लियर फिशन होता है तो एक बड़ा एटम टूट के छोटे एटम्स में डिवाइड होता है और अगर फ्यूजन होता है तो छोटे छोटे एटम्स मिलके उनके न्यूक्लियस जुड़ के एक नया एलिमेंट uh, फॉर्म कर देते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन से आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उन्हें चेंज कर सकते हो अदरवाइज वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय नॉर की क्रिएट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर ए बी सी डी एंड ई इन द गिवन फिगर सबसे पहला पार्ट यहां पे एक फिगर दिया हुआ है और ये डिस्चार्ज ट्यूब का फिगर दिया है ओके सो यहां पे ए क्या है ए जो है वो कैथोड है उसके बाद जो बी है ये एनोड है ओके okay. उसके बाद एक मिनट दिस इज एनोड ओके और फिर अगर हम बात करें सी की तो ये जो है सी दिस इज वैक्यूम ये वैक्यूम है सी ओके देन वी हैव डी तो डी क्या है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन याद है अगर आपको हमने पढ़ा था जो ग्लो प्रोड्यूस करता है फ्लोरेसेंस तो जिंक सल्फाइड ZNS वो ZNS लिखा हुआ है ZNS में यहां लिख भी देता हूं कि भाई ये होता है जिंक सल्फाइड ओके ये जिंक सल्फाइड होता है और इसको फास्फोर भी बोला जाता है और फिर आता है हमारा ई e. ई e जो है वो कैथोड रेस है ओके okay. These are the cathode rays. ठीक है। क्योंकि ये यह यहां से ओरिजिनेट होकर आगे की तरफ जा रही है ठीक ये उनका सबका लेबलिंग हो गया चलिए नेक्स्ट देखते हैं वट इज दर्पज ऑफ सी तो हम बोलते हैं भाई सी का क्या पर्पज है सी जो है यह एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करता है मतलब एक लोअर एटमोस्फेरिक प्रेशर को डेवलप uh, करने में सी हेल्पफुल है सी का काम है एटमोस्फेरिक प्रेशर को लो कर देना तो वो यहां पर कर देता है अंदर वैक्यूम है ठीक है। एक्सप्लेन द रोलो टेकिंग प्लेस इन ट्यूब कि भाई डी का क्या रोल है डी का रोल ये है कि जब कैथोड रेज यहां से आती है दिखती तो है नहीं तो जब वो यहां से आती है तो जब वो इस पर टकराती है तो यहां ग्लो प्रोड्यूस करती है तो एक तरीके से डी ये इंडिकेट करता है कि हां अंदर आ, मतलब यहां से इधर की तरफ कुछ आ रहा है और यहां वो ग्लो प्रोड्यूस कर रहा है जब वो आके टकरा रहा है तो फ्लोरसेंस प्रोड्यूस करके ये बताना है कि ऑपोजिट साइड से कुछ आया है ये काम है डी का क्लियर आगे एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स जेड ए फ्टर दमिशन ऑफ अ बीटा पार्टिकलिमेंट वाइज रिप्रेजेंट वाइ विशन होता है तो बीटा एमिशन में क्या होता है जैसे यहां पर हमने ले लिया एक्स एड ये ठीक है अब जब इसमें बीटा एमिशन होगा तो यह बीटा एमिशन एक्चुअली दो तरह के होते हैं ठीक है, बीटा so दो तरह के होते हैं मतलब एक होता है बीटा प्लस और दूसरा होता है बीटा माइनस ठीक है बीटा 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 प्लस प्लस और माइनस। में एक प्रोटॉन का रिडक्शन हो जाता है बट ये मास पे कोई इफेक्ट नहीं डालता ठीक है ये मास पे इफेक्ट नहीं डालता बट वी दैट देर इज अ रिडक्शन बाय देर इज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बाय वन ओके सो जो नया एलिमेंट हमारा वाई बना है अगर मैं बीटा प्लस दिखा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा यहां लिख दूंगा जेड माइनस वन और अटोमिक मास को तो मैं ऐसे कैसे मास नंबर को लिख रहने दूंगा और मैं यहां पे लिख दूंगा साथ में बीटा प्लस रेडिएशंस। ओके okay. और जो बीटा माइनस हमारा टाइप का एमिशन होता है उसमें क्या होता है एक प्रोटॉन का जैसे यहां पे रिडक्शन रे, हुआ था यहां एक प्रोटॉन का इंक्रीमेंट हो जाता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज बाय वन ओके सो ये हो जाएगा प्लस मास बीटा नेगेटिव, ओके ये बीटा नेगेटिव एमिशन है तो ये है हमारे दो बीटा प्लस और बीटा माइनस टाइप के एमिशन बीटा प्लस में क्या क्या होता है प्रोटॉन नंबर decreases by वन proton number increases by वन यह हमने कर दिया इनका डिस्क्रिप्शन क्लियर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स वर्ड्स आर नेक्स्ट स्लाइड देखिए क्वेश्चन

हम सबसे पहला देखते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन ई अपॉन एम फॉर इलेक्ट्रॉन विल बी 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दाइनस नाइनटीन कूलम अपॉन 9.1 पॉइंट वन इंटू टेन टू दर माइनस 31 वन ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये उसका मास है अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे देखिए 1.6 डिवाइडेड बाय 9.1 इज इक्वल्स टू 0.17 अभी तो फिलहाल हमारा ये आ गया अब यहां पावर्स भी हैं ये जो 31 नीचे माइनस में है ये ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा तो 31 में से जब आप 19 हटाओगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये 11 माइनस नाइन टू टू एंड वन ट्वेल्व ठीक है, so, ये हो जाएगा इन टू टेन टू दावर ट्वेल्व सी पर के जी ठीक है ये आ गया उसका स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का। चलिए दूसरा निकालते हैं अब हम प्रोटॉन के लिए पी आर ओ टी ओ एन हमारा प्रोटॉन, ई अपॉन एम इसका चार्ज अपॉन मास है आ, चार्ज कितना होगा जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन कूलम और इसका मास होता है 1.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू दी पार माइनस ट्वेंटी सेवन के ठीक है ये हो गया इसका मास ओके okay. सो so, अब इसे अगर हम सॉल्व करें 1.6 डिवाइडेड बाय 1.67 पॉइंट सिक्स सेवन इज इक्वल्स टू जीरो अब ये 0.958 है अगर मैं इसको राउंड अप करके लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 0. 96 into, अब 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा ये है हमारा 27 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ओके okay, सो so 27 minus 19 is equals to 8 टू 10 टू द पावर 8 कूलम्स पर ओके सो ये हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज अपॉन मास निकल गया है स्पेसिफिक चार्जेस आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम अल्फा पार्टिकल का निकालते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम अल्फा पार्टिकल्स के पास सो अल्फा पार्टिकल स्टार्ट करने से पहले क्यों ना हम इनके सिर्फ सल्यूशन को लिख लें ताकि हमें कंपैरिजन करने में आसानी हो देखिए ओके, सो 0.17 पॉइंट वन सेवन इंटू टेन टू दूलम्स पर केजी, 0.96 जीरो पॉइंट नाइन सिक्स इंटू टेन टू पर केजी, एंड अल्फा पार्टिकल्स के लिए अब निकालना है ठीक है सो so, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है अल्फा पार्टिकल इज डबली चार्ज्ड हीलियम हीलियम आयन इसका मतलब जो है वैसे नॉर्मल हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं नॉर्मली हीलियम के में बट हीलियम आयन में क्या होता है हमने दो इलेक्ट्रॉन्स को हटा दिया है अब जब हमने दो इलेक्ट्रॉन्स को हटाया तो बचा क्या दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन तो जब हम चार्ज लिखेंगे क्योंकि हमें क्या करना पड़े पड़ेगा एक तरीके से जब हम चार्ज अपॉन मास निकालेंगे हमारे अल्फा पार्टिकल का तो चार्ज में हम प्रोटॉन को कंसिडर करेंगे बट जब हम बात करेंगे मास की तो मास में हम अपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को कंसिडर करेंगे ओके <coughs> okay, तो चलिए लिखते हैं चार्ज कितना है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम और मास कितना हो जाएगा 2 10 टू द पावर -27 1.67 प्लस वन पॉइंट सेवन टू ओके इसे कॉमन लेके मतलब तो लिए मैंने कॉमन टू को ले लिया है सेम चीज हम टू को यहां पे भी लगाएंगे क्योंकि एक प्रोटॉन का मास होता है चार्ज होता है माइनस नाइनटीन बट दो प्रोटॉन्स को हम इंटू टू करके इसको सेटिस्फाई कर देंगे देखिए, मैं यहां से इस टू को इस टू से सीधा सीधा कैंसिल कर देता हूं ठीक है तो ये कैंसिल हो गया अब बचा क्या वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन अपॉन वन पॉइंट सिक्स सेवन प्लस वन पॉइंट सेवन टू देखिए कितना आ रहा है थ्री पॉइंट थ्री नाइन थ्री पॉइंट थ्री नाइन इंटू टेन टू दी पार माइनस ट्वेंटी सेवन यह आ गया अब वन पॉइंट सिक्स को डिवाइड करिए थ्री पॉइंट थ्री नाइन ओके ये आ गया जीरो पॉइंट फोर सेवन वन नाइन इंटू ट्वेंटी सेवन माइनस में है नीचे जब वो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा माइनस ट्वेंटी सेवन ऊपर जाके प्लस में हुआ तो ये हो जाएगा ट्वेंटी सेवन माइनस नाइनटीन इज इक्वल्स टू एट सो टेन टू हमारा अल्फा पार्टिकल का ठीक है सो so, चलिए यहां लिख लेते हैं जीरो पॉइंट फोर सेवन वन नाइन है तो वो हम वन को टू लिख देते हैं राउंड अप करके इन टू टेन टू कूलम्स पर के जी ठीक है ये आ रहा है अब हम एक काम करते हैं ये तो हमारे आ गए स्पेसिफिक चार्जेस हमें उनने बोला है अरेंज देम इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्पेसिफिक चार्जेस तो अगर आप देखोगे तो ये सब टेन टू पावर एट में है मैं इसको भी अगर टेन टू पावर एट में कर दू कन्वर्ट ठीक है, so क्या हो जाएगा वो सेवनटीन इंटू टेन टू दावर ट्वेल्व अगर मैं उसमें से दो जीरो को मैं इधर शिफ्ट करूं एक दो तीन चार मतलब सेवनटीन हंड्रेड इंटू टें पावर एट कूलम्स पर के जी अब आप देखिए ये सबसे ज्यादा है ये उससे भी कम है और ये सबसे कम है सो so ये हो गया वन ये हो गया टू और ये हो गया थ्री मतलब असेंडिंग हमारा असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है छोटे से कम की तरफ तो सबसे पहले आ जाएगा अल्फा पार्टिकल उससे ज्यादा है प्रोटॉन और उससे ज्यादा है इलेक्ट्रॉन ठीक है ये फाइनली हमने स्पेसिफिक चार्जेस के हिसाब से इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं अब टुवर्ड्स आर नेक्स्ट स्लाइड उ मनी प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन दी फॉलोइंगे आइटम दिए में कितने प्रोटोन और कितने न्यूट्रॉन है वो हमें निकालना है तो चलिए सबसे पहले हम कार्बन का निकालते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन कितने यहां सिक्स लिखा हुआ है सीधा सीधा सिक्स लिख दो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे न्यूट्रॉन ही बोला है ना दूसरा हाँ तो न्यूट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा टोटल मास में से प्रोटॉन को हटा दो क्योंकि टोटल मास क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो टोटल मास में से प्रोटॉन को हटा दो तो हमने क्या किया 12 में से 6 हटाया हमारा न्यूट्रॉन बच गए 6 ओके आयरन प्रोटॉन कितने देखो यहां 26 लिखा है तो सीधी सीधा यहां 26 हो गए प्रोटॉन और बचा हुआ है हमारा न्यूट्रॉन तो 56 में से आप 26 हटा दो 0543 न्यूट्रॉन हो गए 30 ओके नेक्स्ट स्ट्रॉनशियम के लिए प्रोटॉन जो है दैट इज 38 एट एंड न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 88 एट माइनस थर्टी एट जीरो ये हो गए 50 नेक्स्ट हर जगह हम वही कर रहे हैं मास में से इसको माइनस कर दो फिर इसके मास में से भी हम इसको माइनस करेंगे तो क्या हो गया इसका प्रोटॉन ये स्ट्रॉनशियम के लिए है ये आयरन के लिए है ये कार्बन के लिए अब यूरेनियम की बात हो रही है सो so, प्रोटॉन कितने हैं 92 और 235 थर्टी फाइव माइनस नाइन्टी टू और ये हो जाएगा uh, 13, थर्टीन ट्वेल्व 11, टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर वन फोर्टी थ्री न्यूट्रॉन हो गए वन फोर्टी थ्री सो यहां हमारा हो गया इसका सोल्यूशन देखिए क्लियर आगे बढ़ते हैं हम Why are anode आर called canal कैनल Anode एनोड्रेस को canal रेस क्यों बोलते हैं क्योंकि ये देखिए एक है anode और ये है हमारा cathode। अब cathode को ऐसे ना बना के हम एक काम करते हैं ऐसा बना देते हैं क्योंकि जो हमारा cathode है जो हमारा cathode है उसमें होल्स है ना छोटे छोटे तो क्या होगा ये है cathode, ये है anode। अब होता क्या है जब भी एनोड्रेस आती हैं ये हमारी एनोड्रेज ठीक है ये आ रही है एनोड वो कैथोड के होल्स के थ्रू पास होती हैं इस तरीके से वो कैथोड के होल्स के थ्रू पास होती हैं इस तरीके से जब वो होल्स के थ्रू पास होती हैं तो वो जो होल्स के थ्रू पास होने की प्रोसेस है उसी के कारण उनको कैनल रेस बोला गया है. मतलब बिकॉज दे आर पासिंग थ्रू होल्स उन्हें कैनाल रेज नाम दिया गया है सो एनोड रेज आर कॉल्ड कैनाल रेज बिकॉज़ व्हेन दे आर कमिंग फ्रॉम एनोड कैथोड दे पास थ्रू कैथोड फ्रॉम देर होल्स फ्रॉम द होल्स ऑफ कैथोड। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज कैनाल रेज। क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं वट इज द यूज ऑफ एन एक्सरे ट्यूब अगर आपको याद हो तो एक्सरे ट्यूब को हमने कहां पे यूज किया था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट तो जो मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था उसमें एक्सरे को यूज कर रहे थे हम अंदर के जो गैस पार्टिकल्स है ना जो हमारा चेंबर था अगर आपको याद हो तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में ये हमारा चेंबर था ये एक पतली सी स्लिट थी जिसमें से ऑयल ड्रॉप निकल के नीचे आ रहे थे यहां की गैस को हम यहां से एक्सरे ट्यूब से एक्सरे डाल रहे थे तो वह एक्सरेज क्या कर रही थी जो हमारे इसके अंदर गैस पार्टिकल्स हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करवा रही थी तो इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट कराना गैस पार्टिकल्स से ताकि वो इलेक्ट्रॉन ऑयल ड्रॉप के ऊपर जाके बैठ सके वो ऑयल ड्रॉप पे जाके बैठ जाएंगे या चिपक जाएंगे तो हमें चार्ज निकालने में आसानी होगी तो एक्स रेस आयनाइज करती है गैस पार्टिकल्स को और चार्ज कर देती है इनको ऑयल ड्रॉप को चार्ज करने में आयनाइज करने में हेल्प करती हैं क्लियर हुआ चलिए आगे बढ़ते हैं वट इज एन एटोमाइजर एटोमाइजर अगर आपको याद हो तो एटोमाइजर मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में ही एक ऐसा यहां इसमें ऑयल भरा हुआ है है ना इसे बोलते हैं एटोमाइजर जो स्प्रे करता है तो यहां अगर आप इसको प्रेस करोगे तो यहां से ऑयल के क्या निकलेंगे स्प्रे इस तरीके से ऑयल का स्प्रे निकलता है तो एटोमाइजर क्या करता है ऑयल के छोटे छोटे ड्रॉप्स बनाने चार्ज ऑफ एन ऑयल ड्रॉप ऑयल ड्रॉप के ऊपर बड़ी खास प्रॉपर्टी शो होती है समझ लो ये एक ऑयल ड्रॉप है ये भी एक ऑयल ड्रॉप है ये भी एक ऑयल ड्रॉप अब इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर एक ही इलेक्ट्रॉन बैठा है तो इसका चार्ज हो गया 1.6 पॉइंट सिक्स पावर माइनस 19 कूलम, माइनस में है ये और जो हमारा ये वाला ऑयल ड्रॉप है इसके ऊपर समझ लीजिए दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके ऊपर तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो खास बात ये है कि जो मिनिमम चार्ज किसी ऑयल ड्रॉप पे आ सकता है वो ये है एक इलेक्ट्रॉन का और बाकी ऑयल ड्रॉप्स पे अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उनके ऊपर जो चार्ज आएगा वो इसी का मल्टीपल होगा दिस इज द स्पेशल प्रॉपर्टी क्यों क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मिनिमम चार्ज तो ये है अब आगे होंगे तो दो होंगे तीन होंगे चार होंगे होल में ही होंगे ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आधा इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकता तो होल नंबर में ही इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके कारण क्या होगा कि जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसी के मल्टीपल्स होंगे इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे अगर ऑयल ड्रॉप में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो।, तो अगर इसकी बात करें तो इसी नंबर को इंटू टू कर दो तो इसके ऊपर उतना चार्ज है इसी पे इनटू थ्री कर दो इस नंबर को तो बेसिकली इन पे जो चार्जेस के, मतलब के साथ हमारा डीपीपी के दस क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं अब अगर आपको अपने वीडियोस को सीक्वेंस में देखने में एक ऑर्डर में देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मेरा सबसे पहला सजेशन होगा कि आप प्लेलिस्ट सर्च करें यूट्यूब पे। अगर आपने प्लेलिस्ट सर्च कर ली तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कैसे आप ऊपर डालिए फाउंडेशन कोर्स केमिस्ट्री और जैसी फाउंडेशन कोर्स केमिस्ट्री मैग्नेट ब्रेन आप डालेंगे तो आपके सामने वीडियोस आएंगे और प्लेलिस्ट भी आ जाएगी अगर फिर भी प्लेलिस्ट नहीं आ रही है तो फिल्टर्स पे आप प्लेलिस्ट ऑप्शन क्लिक करिए आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो मैग्नेट ब्रेन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए www.magnetbrains.com जैसे ही आप जाएंगे आपको देखिए यहां कॉर्नर पे जब अगर आप स्क्रीन की तरफ ऐसे खड़े हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास एक लिस्ट होगी पूरे जितने कोर्स यहाँ मैग्नेट ब्रेन्स पे चल रहे हैं उनकी थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहां आई आई टी जेडबल और यहां पे नीट मिलेगा नीट पे ही हमारा काम है है ना क्योंकि फाउंडेशन कोर्स आपको दोनों ही सेगमेंट्स में मिलेंगे बस फर्क इतना होगा में आपको आपको मैथ्स फाउंडेशन मिल जाएगा और नीट के लिए यहां बायोलॉजी मिल जाएगा ऊपर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के मिल जाएंगे वीडियोस, नीचे आपको फाउंडेशन कोर्स मिलेगा केमिस्ट्री पे वॉच नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे वॉच नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने मॉड्यूल ओपन होगा यहां कोर्स की डिटेल्स और नीचे चैप्टर्स के नाम होंगे आप उनपे क्लिक करिए जैसे क्लिक करेंगे टॉपिक वाइज एक सीक्वेंस में पूरे वीडियो के लिंक आ जाएंगी नाम लिखे हुए आप क्लिक करिए वॉच नाउ पे क्लिक करिए जितनी बार आपको अपना वीडियो देखना है आप उतनी बार वीडियो को देख सकते हैं वो भी टोटली फ्री

Uh, करवा रहे हैं यहां वीडियोस आपको इन सब लेक्चर्स के लाइव सेशंस इवन आपको स्टडी अब आप स्टडी की बात करें अगर आपको तो पूरा कंटेंट यहां पे मिल रहा है आपको तो पूरा जो कंटेंट है वो सब कुछ आपको यहां पे फ्री में अवेलेबल हो रहा है मैग्नेट ब्रेन पे दो तीन वीडियो देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन कोई फीस पे नहीं करनी है क्योंकि यहां सारी चीजें फ्री हैं वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ सो आप वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने रिलेटिव अपने पियर ग्रुप और अपने सिबलिंग्स के साथ सो दैट टूगेदर वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन आई आई टी जेडब्ल्यू एंड नीट चैनल फॉर मोर सच वीडियोज एंड फॉर द अपकमिंग वीडियोज ऑफ द चैप्टर अटोमिक स्ट्रक्चर थैंक यू